मॉर्निंग फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और मेरी मॉर्निंग देख सकते हो, मेरी मॉर्निंग आज मुझे रेड कलर का भी फूल मिल गया। माता रानी लोग के लिए तीन ही मिला था, तो ये रहा मेरा मंदिर, दर्शन कर लो। ये जो अगरबत्ती का ये जो निकलता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पूजा करने के बाद से ही इसको करती हूँ, पूजा वूजा कर लेती हूँ, फिर मैं थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लेती हूँ मॉर्निंग में, बिकॉज आप लोग भी थोड़ा दर्शन कर लो सबका। मेरे भोले बाबा, लक्ष्मी माता, चलो प्रणाम कर लो आप लोग मेरे मंदिर का। पूजा भी हो गया और मैं एक्चुअली सब कुछ खाना बना के ही गई थी पूजा कर, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था, छुट्टी हो गया था। मैंने बोला कि नवीन को भी जाना है, तो मैंने आज वृंदावन जाओ। सबके पीछे रखे हो क्या? सबका वृंदावन हो गया निकाल। श्यामा 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 नहीं, उस साइड में ब्लूटूथ गिरा होगा, उठा लेना। ब्लूटूथ गिरा होगा उधर। सुबह सुबह खाने में मन नहीं करता, नहीं क्या करूं, मेडिसिन खाना है ना, सुबह से सुबह सुबह खाना ही। वैसे भी सुबह सुबह क्या है, 7:30 हो गए हैं, सुबह सुबह इसको नहीं बोलेंगे। दूध अभी नहीं पीऊंगी, दूध पीऊंगी 12-1 बजे। आज मैं खा रही हूँ ओट्स, अपने लिए ओट्स बनाई हूँ ब्रेकफास्ट में। नवीन के लिए पूरी सब्जी। गाइस, फाइनली मेरा पेंडिंग वर्क खत्म हो गया। तो पेंडिंग वर्क क्या है ये मेरे फेस को देख के अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि मेरा पेंडिंग काम क्या है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू और फ्लावर की सब्जी, मीन्स आलू और गोभी की सब्जी। तो मेरा फेस आई थिंक 4 महीने बाद में बना रही हूँ, थ्रेडिंग बनाई हूँ, तो ऐसी बनी आई थिंक सो अच्छी लग रही है। आई नो तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और गोभी की सब्जी, जो कि नाइट में बनेगा, मतलब नाइट के 6 o'clock हो गए और हमारे घर में खाना रेडी होता है। सो पियो, मस्टर्ड डाल देना।
अंदर से चार टमाटर देना। मेरी सब्जी बन गई थी, मोटर बंद कर देना बेटा, बर्तन होंगी ना तब खोलूंगी। मैंने लहसुन कूट के रखा हुआ है। नहीं नहीं नमक डालना। चार महीने बाद घर का इतना सारा काम रहता है, भरी है। पीछे जो मोटर देखो, और नीचे की टंकी खुली है क्या? खोल दो ना। हाँ, नहीं खुली है तो खोल दो। सब्जी बन गई तो मतलब ऑलमोस्ट खाना काम खत्म हो गया। आटा गूंथ कर खा गया। तो चलती हूँ, थोड़ा सा आराम करती हूँ, ज्यादा भागदौड़ कर लेती हूँ, चल के भी थोड़ा आराम करती हूँ। तो यहाँ पे हमारा खाना भी हो गया, डिनर भी हो गया। लड्डू गोपाल का दूध गर्म हो गया। हो गया लल्ला का दूध गर्म हुआ? बहुत ज्यादा। छोड़ दो भी थोड़ी देर के लिए।
और देखो आज हमारे घर में इतनी सारी सब्जी आ गई है, सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स, ओनली ग्रीन। और इन मैम के कहने पे, हाँ मैंने बोला था सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक है, नहीं सरसों की साग है, सरसों की साग है, पालक है, तोरी है, घिया है, इसपे ये तोरी भी है, ये घिया भी है, नहीं तोरी है, अच्छा ये तोरी है और ये घी है, टमाटर है, हमने यहाँ पे थोड़े फ्रूट्स भी कलेक्ट किए हैं, ज्यादा फ्रूट आज मेरे में एक्चुअली बस अंगूर ये और ये। तो ऊपर जाना ना, तो ऐसा करना ऊपर जाना कि बनाना लेके जाना मंदिर में रखते हैं। ओके तो फाइनली गाइस खाना तो हो गया, लेकिन खाना खाने के बाद से ये सारा काम समेटना मेरा है, जो कि मैं समेटूंगी। घी अंदर रखो, कर रही हूँ, नहीं ऐसे ही रखो, नीचे रखो, आराम से ना ग्रेप्स पे ना जाए, ग्रेप्स ना दबे, ग्रेप्स ऊपर कर दो, ग्रेप्स ऊपर, ग्रेप्स वही ऊपर रखती हूँ, इसको नीचे दबा दूँगी, वो नहीं कर रही हूँ, ग्रेप्स उस डोंगी में से निकालो, निकाल के तोड़ी रखो, दो दो पॉलिथिन होगा ना, एक तो ही रहे। अरे पीछे लेके जाना छोला, हाँ हाँ लेगा, जितना काम तो कंप्लीट कर रही हूँ मैं, ये झोला पीछे लेके रख दूँगा, पीछे पीछे ले, हैवी है ये दुनिया, पता क्या सुबह सुबह कचरा कचरा गाड़ी आती ना, तभी सब छाट वोट के रख दूंगी तो कचरे में चला जाएगा वो, प्रॉब्लम होती है। पियो नीचे व्हाइट कलर का डब्बा होगा जिसमें धनिया पत्ता रखती हो ना, वैसे ही व्हाइट कलर का डब्बा होगा उसमें धनिया पत्ता रखती है, सामने ही था।
छोड़ दो कोई नहीं, बाद में मैं सामने घने पर टेस्ट दिख रहा था, मैं घने पर नहीं लोग तरह लेता हूँ आते हम दूसरी जगह से देखी है ऐसा मिला, मैं उस दुकान पे देखी जहाँ पे मैंने बोला था एकदम फ्रेश मिल रहा था, मैंने बोला था दे लो नहीं नींबू पे होगा हाँ नींबू हाँ एक नींबू तो नहीं यार दिखा उसमें होगा देखो तो है तो ला के रख दो फ्रिज में कितने का था पता नहीं रख लेगा दाद दाद हाँ नींबू कितने का था पांच रुपए का एक पांच पांच का एक होगा क्योंकि महंगा मिलता है ना अभी तो फाइनली गाइस मैंने सब्जियों को सब्जियों की डंडियां तोड़ दी मैंने क्योंकि पता है क्या सुबह सुबह मेरा काम ये नहीं रहा उससे बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं जिसकी वजह से मैं सब परेशान हो जाता हूँ जो खाना भी बनाओ भेजो भी खुद भी रहो बनाना ऊपर लेके जाना मैंने ये सब कर लिए और कुछ ऊपर लेके जाना नहीं सिर्फ बनाना लेके जाना इतना कचरा निकला का काम जो भी था खत्म हो गया पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने और यहाँ पे साफ मैंने साफ करके टेबल पर रखा है और आपने देखा किचन का सारा काम करते तो आज मैं ब्लॉग में लगा रखी थी तो किचन का सारा काम कंप्लीट हुआ और आज का कंटेन है इतने दिनों का पेंडिंग काम मेरा पूरा हुआ वो क्या है पेंडिंग वर्क मेरा शक्ल देख के बता सकते तो ये है थ्रेडिंग जो कुछ चार महीने बाद मैंने बनाया है सो मुझे खुद भी अच्छा लग रहा है मैं जब बना के आई तो प्यू बोलती मम्मा आपकी शक्ल बहुत चेंज सी लग रही है तो ऑब्वियसली चार महीने से जब ऐसे बंदर जैसी दिख रही थी तो ऑब्वियसली चेंज लगेगा ही
फेस साफ सुथरा दिखेगा, आप लोगों को भी लगता होगा अगर ब्लॉग देखते होगे तो। और आज मैंने स्लिप कपड़ा इसलिए पहना है क्योंकि सुबह सुबह उठती हूँ, जो नज़र में आता है वही उठा के डाल लेती हूँ। कुछ देर के लिए आपने देखा होगा दूसरा कुर्ती डाला हो, क्योंकि मैं उसके लिए पार्लर गई थी। मैं स्लिप मुझे पसंद नहीं है बट मैं पार्लर गई थी जिसकी वजह से वो मैंने डाला, वो कुर्ती डाली थी। अभी रात हो गई थी मैंने वो डाल दिया, क्योंकि मैं स्लिप पहन के तो घर में भी नहीं रहती हूँ। पसंद एक्चुअली पसंद की बात नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं मुझे पसंद है स्लीवलेस। हाँ, कितने भी मैं मॉडर्न ड्रेस डाल लूँ बट स्लीवलेस कपड़े नहीं पसंद है मुझे। अपनी अपनी पसंद होती है, जरूरी नहीं ये ख़राब होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे नहीं पसंद है स्लीवलेस कपड़े। लेकिन बोलते हैं ना कि नया कपड़ा पड़ा हुआ है तो मजबूरी में पहनना पड़ता है, तो वही चीज़ मेरे साथ भी है। ऐसे ही पड़ा हुआ था बहुत दिनों से, तो अलमारी में था, सुबह सुबह नहाना पूजा करना होता है ना, तो फिर जो दिखता उठा के पहनो, तो वही चल रहा था। तो इसकी वजह से मैंने ये डाल लिया। और घर से मैं बाहर निकलती नहीं हूँ ज़्यादा, और जब बाहर जाती हूँ कुछ भी काम के लिए तो मैं वो आपने देखा होगा कि मैं कुछ देर के लिए दूसरी कुर्ती डाली थी, तो वो मैंने डाला था। एंड मेरी ब्लॉग आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बहुत सारा प्यार देना मेरे ब्लॉग को, क्योंकि आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडियन ब्लॉगर रिशु पांडे को। सो आई होप, मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़रूर लाइक करते होगे, पसंद करते होगे, शेयर तो नहीं करते होगे, पसंद भी नहीं करते होगे, लेकिन क्या है, रोज़ रोज़ बोलती हूँ तो कर ही दोगे ना, है कि नहीं, है ना नवी। ये मेरे ब्लॉग में कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं, मेहनत नहीं करते, मुझे ही करना पड़ता है, बट कोई नहीं, अपने पैर पे खुद खड़ा होना चाहिए, दूसरों का सहारा नहीं लेना चाहिए, तो मैंने वही किया है, किसी का सहारा नहीं ले रही, तो फिर ठीक है, मैं अपनी ब्लॉगिंग ख़त्म करती हूँ। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।